बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क मॉडल के टॉपिक का आगाज किया था के अंदर हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल और पेयर टू पेयर मॉडल्स की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम एक निहायत ही अहम टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजीज और उन तमाम वजूहात को देखेंगे जिनकी बिना पर एक टोपोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है, सेटअप किया जाता है। साथ साथ बस टोपोलॉजी की डिटेल्स देखेंगे। दोस्तों आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं इस सवाल से कि टोपोलॉजी क्या होती है। दोस्तों इट इज अ फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इन विच ऑल डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक नेटवर्क को बनाने के लिए तमाम डिवाइसेस यानी तमाम कंप्यूटर्स को अलग अलग तरतीब और अरेंजमेंट्स में जोड़ा जाता है और ऐसी तरतीब को टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी को नेटवर्क की शेप भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग शक्ल में आपस में कनेक्ट हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस को नोड्स भी कहा जाता है। दोस्तों आमतौर पर नेटवर्क टोपोलॉजी 6 तरह की होती हैं। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी, फिर है स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो दोस्तों इन तमाम टोपोलॉजीज में से किसी भी टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने से पहले कुछ फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है। इनमें सबसे पहला फैक्टर है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या है? तो दोस्तों क्या आपका नेटवर्क रिलायबल है? अगर कोई एक सिस्टम यानी एक नेटवर्क में कोई एक सिस्टम या नोड ब्रेक होती है, खराब होती है, तो उसका असर पूरे सिस्टम पर तो नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें अगर ये सिस्टम खराब हो जाए या केबल टूट जाए तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे में कहा जाएगा कि दिस नेटवर्क टोपोलॉजी इज नॉट रिलायबल। तो किसी भी टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने से पहले रिलायबिलिटी का तायुन करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद है एक्सपेंडेबिलिटी। तो दोस्तों एक्सपेंडेबिलिटी मीन्स एक नेटवर्क, आपने एक नेटवर्क बनाया और इनमें से यानी जो नेटवर्क टोपोलॉजी अभी हमने देखी है उनमें से किसी एक टोपोलॉजी के जरिए अब आप उस नेटवर्क में मजीद नोड्स कंप्यूटर्स का इजाफा करना चाहते हैं, तो क्या उस नेटवर्क में इजाफे की गुंजाइश है? क्या वो टोपोलॉजी मजीद कंप्यूटर्स को अपने अंदर ऐड कर सकती है? तो इसको कहा जाता है एक्सपेंडेबिलिटी, यानी एक नेटवर्क को मजीद बढ़ाने की सलाहियत रखना। के बाद है कॉस्ट इन्वॉल्व। किसी भी टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने से पहले कॉस्ट का तायुन करना, अपने बजट का तायुन करना बहुत जरूरी है। यानी आपका नेटवर्क में कितनी केबल्स लग सकती हैं, कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस लगेंगी, तो कॉस्ट को मेजर किया जाता है। अगर आपका नेटवर्क छोटा है और बजट भी आपका कम है तो ऐसे में आप किसी ऐसी टोपोलॉजी को चूज करें जिसमें केबल्स की तादाद कम हो। तो जितनी केबल्स की तादाद कम होगी कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा रिड्यूस होगी। इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है ट्रांसमिशन रेट। यानी नेटवर्क में मौजूद एक नोड एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कितनी तेजी के साथ डेटा ट्रांसफर कर रहा है या फिर कितना स्लोली डेटा ट्रांसफर कर रहा है, इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन रेट। तो दोस्तों इनमें से किसी भी टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने से पहले इन तमाम फैक्टर्स का तायुन करना, इन तमाम फैक्टर्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इन्हीं फैक्टर्स की बिना पर ही किसी भी टोपोलॉजी को आप अपने नेटवर्क में इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए इन टोपोलॉजीज को बारी बारी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। इसमें एक सिंगल वायर या फिर केबल होती है जिसे बस का नाम दिया जाता है। दोस्तों उस केबल से तमाम नोड्स यानी तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम नोड्स की अपनी छोटी छोटी केबल्स हैं जिनसे ये उस बड़ी केबल से जुड़ी हुई है। दोस्तों याद रखिए तमाम डिवाइसेस के पास उनका अपना अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए ही कोई भी डिवाइस नेटवर्क से जुड़ने की सलाहियत रख पाती है। क्योंकि इसमें तमाम कंप्यूटर्स एक केबल से कनेक्ट होते हैं तो केबल का स्ट्रॉन्ग होना, ताकतवर होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसमें ईथरनेट केबलिंग 10/2 थिन नेट और 10/5 थिक नेट यूज होता है। ईथरनेट केबल की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हाई होती है। तो दोस्तों इसमें कम्युनिकेशन कैसे होती है, कैसे एक कंप्यूटर मैसेज को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है,
तो दोस्तों जैसे आपके घर का एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, अलग होता है, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स के भी अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि तमाम डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती बल्कि एक केबल से कनेक्ट होती हैं। तो ऐसे में अगर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को कोई मैसेज सेंड करना चाहती है तो पहले वो मैसेज उस केबल पर जाएगा और केबल से, क्योंकि तमाम डिवाइसेस कनेक्ट है और केबल फिल्टर नहीं कर सकती, तो ये नहीं समझ पाती कि ये मैसेज किस नोड का है, किस कंप्यूटर का है, इसीलिए वो उस मैसेज को तमाम डिवाइसेस को सेंड कर देती है। इस प्रोसीजर को ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है। लेकिन उस मैसेज में जिस डिवाइस को वो मैसेज भेजना होता है उसका एड्रेस भी मौजूद होता है, इसीलिए तमाम डिवाइसेस उस मैसेज को डिक्लाइन कर देती हैं। सिर्फ वही डिवाइस उस मैसेज को एक्सेप्ट करती है, देती है जिसका वो एड्रेस होता है, यानी मैसेज के अंदर जिसका वो एड्रेस मौजूद होता है। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर ए है जो कि कंप्यूटर बी को कोई मैसेज सेंड करना चाहता है, तो कंप्यूटर ए सबसे पहले कंप्यूटर बी का एड्रेस उस मैसेज में डालेगा और उस मैसेज को इस केबल पर डाल देगा, क्योंकि केबल के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो समझ पाए कि वो मैसेज किस कंप्यूटर का है। तो वो केबल इस मैसेज को बी को भी दे देगी, सी को भी दे देगी और डी को भी दे देगी। लेकिन उस मैसेज के ऊपर बी का एड्रेस मौजूद है तो सी और डी उसको डिक्लाइन कर देंगी, उसको लेने से इनकार कर देंगी, सिर्फ बी ही उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगी। तो इस तरीके से फर्स्ट टोपोलॉजी के अंदर कम्युनिकेशन की जाती है। दोस्तों क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है, मींस सिर्फ एक केबल है जिस पर तमाम कंप्यूटर्स एक साथ अपना अपना डेटा डाल रहे हैं, की वजह से इसमें कोलिजन के चांसेस, यानी डेटा के टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डेटा को कोलिजन से बचाने के लिए इसमें अलग अलग प्रोसेस जैसे कि CSMA, CSMA-CD और CSMA-CR का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों CSMA के अंदर क्या होता है कि तमाम नोड्स डेटा को सेंड करने से पहले इस केबल को सेंस करती हैं। अगर इस केबल पर कोई डेटा मौजूद होता है तो नोड वेट करती है जब तक के वो डेटा, यानी वो केबल खाली ना हो जाए। जब वो केबल खाली हो जाती है तब ही नोड अपने डेटा को उस केबल पर डालती है। इसके अलावा अगर मान ले कि ए और बी ने एक साथ केबल को सेंस किया और एक साथ डेटा को इस केबल पर डाला, तो इसकी वजह से डेटा कोलाइड हो जाएगा, डेटा टकरा जाएगा। तो इन डेटा को तो ए और बी को कैसे पता लगेगा कि ये डेटा उनका टकरा गया है, तो इसके लिए बनाया गया CSMA-CD, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, कि अगर कोलिजन हो गया है तो ए और बी को एक मैसेज आ जाता है कि आपका डेटा कोलाइड हो गया है, अब आप डेटा ट्रांसफर करना स्टॉप कर दें। तो इस तरीके से डेटा ट्रांसफर करना स्टॉप करने के बाद नोड्स थोड़ी देर वेट करती हैं, और वेट करने के बाद जब ये केबल खाली हो जाती है तभी डेटा को इस केबल पर डालती हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है वो है CSMA-CR। इसके अंदर नोड्स को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कौन सी नोड पहले डेटा को डालेगी और कौन सी नोड बाद में डेटा को डालेगी। तो इस तरीके से डेटा ट्रांसफर रेट को यानी डेटा को कोलाइड होने से बचाया जाता है। दोस्तों इसमें एंड्स पर टर्मिनेटर लगे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसके जरिए डेटा यानी मैसेजेस को जब तमाम डिवाइसेस से गुजरता हुआ केबल के आखिर तक पहुंचता है तो ये टर्मिनेटर उस मैसेज को खत्म कर देते हैं ताकि वो बार बार केबल पर मूव ना करे। कि अगर वो बार बार केबल पर मूव करेगा तो डेटा का ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं और डेटा का कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए इन टर्मिनेटर्स के जरिए मैसेजेस को ग्राउंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी बस टोपोलॉजी की डिटेल्स। आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों ये टोपोलॉजी ना सिर्फ दिखने में सिंपल है बल्कि इसको सेटअप करना बनाना भी आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ एक केबल की जरूरत होती है। के अलावा किसी और नेटवर्क डिवाइस जैसे कि स्विच, हब, राउटर्स वगैरह की नीड नहीं होती। कि इसमें सिंगल वायर की जरूरत होती है जिसकी वजह से इसको बनाने के लिए ज्यादा रकम भी दरकार नहीं होती। दोस्तों ये एक चीप टोपोलॉजी है, ऐसे नेटवर्क को एक्सपेंड करना बढ़ाना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल आप टर्मिनेटर की जगह अगर रिपीटर लगा देते हैं
तो आप आसानी मजीद कंप्यूटर्स को उस केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। रिपीटर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इनके जरिए आप अपने नेटवर्क के अंदर मजीद डिवाइसेस का इजाफा कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिलायबल है इस सेंस में कि अगर एक कंप्यूटर डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो बाकी तमाम नेटवर्क डिवाइसेस का उस पर कोई असर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंप्यूटर वन खराब हो जाता है, तो कंप्यूटर वन के खराब होने से तमाम डिवाइसेस की ट्रांसमिशन के अंदर कोई रिकावट नहीं आएगी। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये रिलायबल है। आइए इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। दोस्तों, का एक नुकसान ये है कि ये ज्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करता। कि अगर आप इसमें ज्यादा कंप्यूटर्स केबल से कनेक्ट करेंगे और तमाम कंप्यूटर्स एक ही केबल पर अपना डाटा डालेंगे, तो जितनी ज्यादा डिवाइसेस, उतना ज्यादा डाटा एक वक्त में केबल पर मौजूद होगा और उतना ही कोलिजन रेट बढ़ जाएगा, और कोलिजन की वजह से डाटा ट्रांसफर स्लो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर कोलिजन आ जाता है तो तमाम नोड्स को रुकना पड़ेगा, और रुकने की वजह से डेटा ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत सारी डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करता, कुछ मैक्सिमम 20 या फिर 15 डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ अगर आप कोलिजन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, यानी कोलिजन से अपने डाटा को बचाना चाहते हैं, तो आपको CSMA CSMA CD जैसे प्रोसेस के लिए मजीद सर्किटरी दरकार होगी, जिसकी वजह से ये टोपोलॉजी मजीद एक्सपेंसिव हो सकती है। इसमें एरर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर केबल डाउन हो जाती है, यानी बस में कोई खराबी आती है, यानी इस तरह की कोई खराबी आती है, यहाँ से बस टूट जाती है, तो ऐसे में पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। तो दोस्तों, इस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि ये रिलायबल नहीं है। अगर बस के अंदर कोई खराबी आती है तो इसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल जीरो है, लेकिन अगर किसी नोड में कोई खराबी आती है तो इसकी रिलायबिलिटी हाई है। तो दोस्तों, इसके बाद जो अगला नेटवर्क है, अगली टोपोलॉजी है, वो है स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों, बाकी कमी के बाद हमें अपने लेक्चर को यहीं स्टॉप करना होगा। अगले लेक्चर में हम यहीं से अपने टॉपिक को आगाज करेंगे, और इसी के साथ साथ हम बाकी तमाम टोपोलॉजीज, जैसे कि मैच टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजीज की डिटेल्स देखेंगे।